आई रे रे, यहाँ पे पता नहीं है कितना खतरनाक कुत्ता है, पता नहीं किस चीज़ की हड्डी खा रहे हो। एक मुझे भी कैसे दिख रहा है भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी मस्त हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज का व्लॉग हो रहा है अभी सुबह के 10 बजे शुरू, और अभी मैं हूँ इन खूबसूरत खेतों के बीच में, और आज मैं जा रहा हूँ त्रिपाली शहर मार्केट। तो दोस्तों, मैं त्रिपाली शहर मार्केट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ मेरी बुआ रहती है और मैं जा रहा हूँ कापल को देने। हमने कल कापल निकाल के लाए थे ना, तो कापल देने जा रहे हैं हम आज। और यहाँ से लगभग होगा 15-20 किलोमीटर होगा, और वहाँ जाना है हमें। अभी फ़िलहाल तो हम पैदल जा रहे हैं, अभी 2 किलोमीटर तक हम पैदल जाएंगे। वहाँ से हमारा एक दोस्त आएगा हमें, जो त्रिपाली शहर तक छोड़ेगा। और दोस्तों, मौसम की बात करें तो मौसम आज एकदम खतरनाक हो रहेगा। कभी धूप आ जा रही है, कभी बारिश आ जा रही है, और अभी तो ना धूप ना बारिश आ रही है। और दोस्तों, अभी चलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में। दोस्तों, मेरे साथ ये भाई साहब, इन्होंने बैग ही तोड़ दिया। अभी तो हमें 2 किलोमीटर पैदल और जा रहे हैं। भाई साहब ने बैग पहले ही तोड़ दिया। कैसे टूटा वो? बैग तोड़ दिया भाई साहब ने। और गाइस, ये देख सकते हो पीछे कितना खतरनाक जंगल है यहाँ। और दोस्तों, अभी चलते हैं। आई रे रे, यहाँ पे पता नहीं है कितना खतरनाक कुत्ता है, पता नहीं किस चीज़ की हड्डी खा रहे हो। एक मुझे भी कैसे दिख रहा है, ये क्या है? 3 कुत्ते हैं, पता नहीं किसका शिकार किया इन्होंने, मैं देख सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, जो कि मेरे पीछे यहाँ कोटेश्वर महादेव है। और जो दोस्त हमें त्रिपाली शहर तक छोड़ने वाला था, उसका थोड़ा अभी कुछ काम है और वो थोड़ी देर में आएगा, तो हमने कहा तब तक हम मंदिर में जाते हैं। और अभी चलते हैं मंदिर में और आपको भी दिखाते हैं। तो अभी आ गए हैं मंदिर के गेट में, और ये है कोटेश्वर महादेव, और अभी अंदर दिखाते हैं आपको। तो वहाँ पे पहला गेट है, और ये है दूसरा गेट, और इसके अंदर है मंदिर। और अभी मंदिर में चलते हैं और यहाँ पीछे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे है स्नान घर बना रखा है, मतलब लोग वगैरह आते हैं यहाँ तो वो नहाते हैं। और यहाँ पे धर्मशाला भी बना रखा है, जब मतलब भंडारा वगैरह होता है ना, तो लोग यहाँ पे रहते हैं। और इसके अंदर लेके चलता हूँ मैं आपको स्नान घर के। और यहाँ देख सकते हो आप, पंजेरे लगा रखे हैं इन लोगों ने यहाँ पे। और अभी आगे चलते हैं दोस्तों। ये रहा मंदिर के अंदर, और अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बैल है, और यहाँ अंदर जहाँ पे पूजा वगैरह होती है, और ये देख सकते हो आप। अभी कोटेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए, और अभी चलते हैं। और अभी दोस्त भी आने वाला है थोड़ी देर में, तो अब चलते हैं त्रिपाली शहर। पहले आ चुका है मेरे दोस्त, और ये रहा मेरा दोस्त, इसका नाम है लक्ष्मण। और भाई साहब ने कम से कम 2 घंटे वेट कराया, और अभी फिर से बारिश आ गई, और अभी चलते हैं।
वापस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं त्रिपाली शहर, और अभी पहले फटाफट ये काफल देते हैं और उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि अभी हमें टाइम हो रहा है कहीं और भी जाना है, तो चलते हैं। अभी मैंने काफल दे दिए और अभी चलते हैं फटाफट से, निकलते हैं फटाफट। चल इस कंपनी में अभी पहुंच चुके हैं हम नागधर में, और यहां तक हम गाड़ी में आए, और अभी ऊपर जाने वाली गाड़ी ही नहीं है क्योंकि आज 31st है ना, तो आज मार्केट बंद रहता है इसीलिए गाड़ी भी नहीं रहती है। और यहां से अभी लगभग हमें 1 किलोमीटर पैदल जाने हैं ऊपर, और अभी चलते हैं, और सांस भी फूल रही है और हालत ख़राब होगी पैदल चलते चलते। दोस्तों अभी चलते हैं ऊपर गाँव और आपको मिलते हैं गाँव में। दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं हम अपने यहाँ के स्कूल में, राजकीय प्राथमिक विद्यालय दौला, और यहाँ 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। और ये देख सकते हो यहाँ पे भी है पास में एक स्कूल, वहाँ भी 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। और ये देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है यहाँ, कलर भी एकदम मस्त करा है, और यहाँ पे फूल वगैरह भी हो रखे हैं मस्त मस्त, और हवा चल रही है एकदम खतरनाक। और अभी हमें यहाँ से लगभग 1/2 किलोमीटर और जाना होगा, तो दोस्तों अभी चलते हैं, और हालत हो गई एकदम ख़राब पैदल चल के, और नहीं बता सकते मैं हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि काफ़ी टाइम से पैदल भी नहीं गए, और इतना पैदल तो भाई साहब क्या ही जाना है। तो दोस्तों अभी चलते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने गांव में, और ये रहा हमारे गांव का गेट, और अभी चलते हैं और आपको गांव दिखाते हैं थोड़ा बहुत।